सिज़लर ऑर्डर किया है हमने, और साथ में सूप, साथ में कुछ फ्रेंच फ्राइज। बहुत साल हो गए थे शीतल अपने को सिज़लर खाए हुए, है ना? हाँ, काफ़ी टाइम के बाद आज ऑर्डर हुआ। खाना बहुत अच्छा है, बहुत रीजनेबल है। देखो आज की सुबह बाहर निकलते ही मोर नाच रहे। प्रकृति के बहुत करीब, ये एक ऐसी दुनिया थी जो किसी के इमेजिनेशन से भी परे थी। हमारे मुंबई से केरला के रोड ट्रिप पर, हमारे पहले डेस्टिनेशन पर, हम सीधे एक ऐसी दुनिया में एक्सपोर्ट हो गए थे जो सबके लिए बसाई गई थी। एक ऐसी दुनिया जहां पर मोर नाचकर आपका स्वागत करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पशु और पक्षी साथ में मिलकर रहते हैं, चारों तरफ से पानी है, उसके बीचों बीच पे एक किचन बनाई हुई है। Who's done the interiors and all? All of us. That means you. Whoever says this, all of us, that means this is the person. For merch, for me, no, yeah. You can't do things like this alone. Everything is so beautiful, actually. Simply, I'll take credit award. Which room are you in? The mud rooms? Dom. The mud rooms are very pretty. You should see the mud rooms. Yeah, if possible. I'll show you. ये जगह है जोस्टल, जहाँ पर हमें कल जगह मिली थी। जगह इतनी सुंदर है कि अवेलेबिलिटी मुश्किल ही मिलेगी, तो अगर यहाँ पर आ रहे हो तो पहले से बुकिंग करके आइएगा। बहुत इको फ्रेंडली तरीके से बहुत सुंदर बनाया हुआ हॉस्टल है। सिर्फ मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और बैम्बू से, नारियल के जो पत्ते होते हैं उनसे, नारियल की छाल से सारी ही जगह डेवलप की है। बड़े बड़े पत्थर तो ऑलरेडी यहाँ पर है, उसको एज अ लैंडस्केप यूज़ किया हुआ है। तो हॉस्टल के अंदर ज़्यादातर प्राइवेट रूम्स है, हालांकि डॉम भी है, और प्राइवेट रूम कैसा है, कैसा दिखता है वो भी दिखाते हैं। बढ़िया थैच्ड रूफ जो होती है घास की, उसकी और नारियल की और जो बांस का होता है उसकी छतें बनी हुई है। ये प्राइवेट रूम है जो बहुत ही सुंदर है, और येलो कलर, ये मिट्टी के कलर से इतना अच्छा मर्ज हो रहा है। ये देखो, ये सब मिट्टी है। साइड टेबल के लिए भी ये पत्थर का ही बना हुआ है। कॉर्नर टेबल्स होती है उसकी जगह भी पत्थर के ही बनाए हुए हैं। इवन लैंप्स वगैरह जितने हैं वो सब भी केन वाले लैंप्स है, हाथ से ही ऐसे रॉ फॉर्म में सिंपल गणेश जी बनाए हुए हैं। सिंप्लिसिटी है बहुत ही ज़्यादा। और बाथरूम भी देखें तो ये देखो, तो गर्म पानी है, इंग्लिश टॉयलेट है, क्लीन बाथरूम है, इको फ्रेंडली जगह है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बाहर जो नेचर है, ये देखो, रूम से बाहर निकलते ही एक बहुत सुंदर लेक जैसा भी बनाया हुआ है, वाटर बॉडी। कहाँ से लाते हैं ऐसे आइडियाज़। कितना फिश है, कितना है वो। आज तो मोर नाच रहे थे, मुझे लगा उसका उसका पंख अटक गया। वो 2-3 घंटे तक नीचे नहीं किया उसने, सुबह 6 बजे शुरू किया उसने और सबको पोज दे रहा था फोटो का। आज सुबह से ये डांस कर रहा है, आज पता नहीं इसको कैसी क्या खुशी है।
सुबह 7 बजे से लगा हुआ है। वाह, ऐसी सिक्लूडेड जगह पे होने के बाद जितने भी रेस्टोरेंट के चाहें तो कुछ भी चार्जेस ले सकते हैं, पर बहुत रीजनेबल रेट्स है। 80 रुपये का आलू का पराठा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। जूसेस कैसा था जूस? बहुत ही अच्छा। यहाँ हिसाब किताब हो रहा है किसका कितना खर्चा हुआ, कौन कितना देगा। आपको देने हैं 5,566 रुपये कैश में। आप मुझे 5,566 दोगे? हाँ। इसके बाद कल का मैम को देना है 243 टोटल तो करके रहा हूँ 243। एक सेकेंड मोबाइल में करता हूँ। मुझे तुम्हारे खाने के देने हैं, तुम्हें मेरा जो पेट्रोल का है वो देना है। क्या आपका जो ऐड ज्यादा था ना, सो मेमोरेबल फॉर अस दैट टाइम, यू नो, जो भी कुछ ऐड होता है ना, लाइक फॉर 90s किड्स ऑलवेज इज अ ब्लूम ऑफ स्टफ। आई मीन 20s किड्स आज को पता नहीं हाउ दे गेट अराउंड, बट फॉर अस इट्स क्रेजी। जिनका भी 90s का बचपन रहा है, दे ऐड द बेस्ट ऑफ द टाइम। ओह डेफिनेटली, यू नो, हमारा टाइम पे जो जमाना था वो वैसा आज तक कभी पहले भी नहीं आया, अभी भी नहीं आएगा, बिकॉज़ एट दैट टाइम वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड्स, फुटबॉल एंड लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स वर देयर। डेफिनेटली आफ्टर दैट मोबाइल कैमरा केम, नो, हम लोग तो मोबाइल कैमरा छोड़ो, हमका हमारा जो 0000 फोन ही चला जाता था। हाँ, वो इनकमिंग आउटगोइंग का भी पैसा लगता था। साफ सीडी का ही ट्रू। अरे यार, एसएमएस के लिए भी तो पैक लगाना पड़ता था हमें। हाँ, रिचार्ज एसएमएस का पैक था, उसको घुमा के लगा लो, फिर जाओ 10 MB इंटरनेट 10 रुपए का। आउटगोइंग का पैसा लगता था, इनकमिंग का भी लगता था 2 रुपए आउटगोइंग। और ये इंटरनेट ही अभी आया, मतलब तब तो था, पर हम लोग इतने मोबाइल के अंदर इंटरनेट वाली आदत नहीं थी तब। वो घंटे का पैसा लगता था ना, तो वो कई बार डेस्कटॉप था या वो था। हाँ डेफिनेटली, तब हमारा जब फोन पे अगर थोड़ा MB बचा था ना, लाइक किसके लिए, सिर्फ वो पता है आपको, गूगल का चलता था ना। सिर्फ एक गूगल का एक लोगो आके चलता था, कौन नहीं चलता था। आप देखो, अब तब तो पूरा अलग ही चल रहा है। ओह गॉड, थैंक सो मच, यू नो, यू चेरिश माय kind of old days. I see you honestly, you know, when those ads, you know, 5-star ads would come up, and second is, you know, the Zuzuka ads. Yeah. Those are still evergreen. You know, हम वो बचपन में, we can't take it. अभी अभी जो 5-star ad आ रहा है ना, उससे हम compare करते हैं, ए रमेश सुरेश कहाँ गए? It's obvious. It's making these things up, but it's very obvious जब हम लोग देखते हैं, like, 5-star का ad जो भी आए ना, अरे रमेश सुरेश का तो ad था ना। चलो भाई, बढ़िया, अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर रुककर। और जोस्टल यहाँ आके पता लगा कि क्यों पहला प्रेफरेंस होता है लोगों का हम्पी आने के बाद। और इस जगह को एक गोवन फैमिली चला रही है, एक आंटी है जो 1989 में यहाँ पर आई थी, ये सारी की सारी जगह डेवलप की इको फ्रेंडली तरीके से, बहुत सुंदर इस जगह को बनाया। यहाँ पर क्योंकि आज सैटरडे है तो अनफॉर्चुनेटली कल के लिए ही सिर्फ जगह मिली थी, हालांकि आज भी वो रूम दे रहे थे हमें, लोग बहुत अच्छे थे, पर रूम थोड़ा सा सैटरडे के कंपैरिजन में हमारा बजट कम था, क्योंकि एक मंथ का मिनिमम ट्रिप है, तो थोड़ा सा पैसा बचा बचा के कहीं कहीं चलना पड़ेगा। तो बाय बाय जोस्टल, वापस आएंगे अगर हम्पी आए तो। शीतल, अब हम्पी आना होगा तो किसी को घुमाने ही आना होगा। कोई सेकेंड टाइम जब आदमी जाता है ना किसी जगह, तो किसी और को जो जगह दिखानी होती है ना, तभी जाता है। 2 दिन में तो ये जगह नहीं देख सकते हो, ये तो पक्की बात हो गई। आपको कम से कम 4-5 दिन चाहिए मिनिमम हम्पी को ठीक से देखने के लिए। हनुमान जी की धरती है, और अच्छे से देख के जाइए। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये बीच में एक रिवर है, उसके दोनों तरफ में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट में जो जगह है उसका नाम है विजयनगर, और दूसरे पार्ट में जो जगह है जहाँ पर हम अभी है, इस जगह का नाम है रामायण। मज़ा तो आया शीतल, है ना, कुछ अलग टेरेन देखने को मिला। मुझे कुछ भी डिफरेंट दिखा दो नेचर से रिलेटेड, तो मतलब शीतल, जितना भी रामायण का युद्ध शुरू हुआ, उसकी रणनीति शुरू हुई, राम जी को सेना मिली, रामायण ही कहते हैं इसी जगह को, इसीलिए रामायण बोलते हैं। क्योंकि सब कुछ, पूरी रामायण तो उसकी शुरुआत इस जगह से हुई ना, उस युद्ध की। राम जी को सेना यहाँ से मिली,
राम जी और हनुमान जी का मिलन यहाँ पे हुआ, और आज भी जगह ऐसी लगती है जैसे कई हजारों साल पुरानी होगी, कई सौ साल वाली ना, अनटच्ड है, पूरे रॉक्स है। ये हनुमान जी के दर्शन हो गए, ऊपर दो तीन वानर बैठे हुए। तुम पूछ रहे थे ना कि इस रीजन में इतने फ्लैट टेरेन में मंकीज कैसे होंगे? जी हाँ, शनिवार है तो सर आज सारे टेंपल्स जाते हैं मंदिरों में, जैसे जहाँ पर राम जी के पैर बने हुए हैं, जहाँ पे वाली ने सुग्रीव को कैद करके रखा हुआ था। अच्छा, वो जगह भी यही है ना? जी यहीं पे है, वो सारी चीजें आज सैटरडे है और आज दिन भी अच्छा बजरंग बली जी का, तो वो कवर करते हैं आज। ठीक है, अभी करीब एक घंटे से हम लोग रूम ढूंढ रहे हैं। आज सैटरडे है और मैक्सिमम होटल्स फुल है। यहाँ पर बहुत सारी है ना हट्स बनी हुई है, इको फ्रेंडली टाइप से, वो कोकोनट वाली छत वाली, तो सैटरडे की वजह से कहीं भी जाओ महंगा ही मिलेगा। तो जगह का नाम है गौतम गेस्ट हाउस, यहाँ पर बढ़िया रूम मिला है। ये गांव है अनेगुंदी और एंट्रेंस के ऊपर एक रथ रखा हुआ है हम्पी में। गांव तो सुंदर है, गांव की एंट्री बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है अभी भी कि पुराने ज़माने का गांव प्रिजर्व करके रखा हुआ है। एंट्री बहुत बड़े बड़े रॉक्स से बहुत सुंदर एंट्री है, उससे थोड़ा सा अंदर आते हैं तो बहुत कमाल का रथ है, और वो रथ भी बताते हैं कि 16th सेंचुरी का रथ है, वुडन रथ है, और देख कर मज़ा आ जाता है उसको। तो अगर आप हम्पी विज़िट कर रहे हैं तो अनेगुंदी गांव में आइएगा, आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, ये वाली गुफा है राम जी, सभा है, यहाँ सभा होती थी। अच्छा, जब वो रणनीति करनी थी बाली को मारने की, बाली मारने का प्लान कैसा होता, कैसा मार लेता, वो सारा प्लान ही यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर दो पत्थरों के ऊपर राम जी के चरण बने हुए, एक पत्थर वो है जब राम जी स्वयं यहाँ पर आए थे, दूसरे वाले जो चरण है वो बाद में अयोध्या से लाकर यहाँ पर स्थापित किए थे। श्री राम जी के चरण है, यहाँ से खड़े होके यहाँ पर तीर कमान बना हुआ है, और यहाँ से उन्होंने बाली को मारा था। ये पहले वाले चरण है जब वो यहाँ पर आए थे, और ये बाद वाले चरण है। किष्किंधा एक सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। अंजनी माता के नाम पर है ये पर्वत, और इस रीजन की सबसे ऊंची हिल बताते हैं, करीब 575 सीढ़ियां हैं ऊपर तक जाने के लिए। और रास्ते पर कहीं कहीं श्री राम के गुंजन सुनाई देते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पर सारे रास्ते में बीच बीच में बैठने की जगह बनाई हुई है, पानी के नल है। गोल्डी फूड फॉर मंकी।
बोल दिया। यहाँ पर अंजनी माता और हनुमान जी के जो बाल हनुमान हैं उनकी एक बहुत सुंदर मूर्त बनी हुई है और लिखा हुआ है कि श्री रामायण जीवन पद्धति है और जीवन पद्धति के कुछ नियम लिखे जो रामायण से हमें सीखने को मिलता है वो है समर्पण, संस्कृति, तत्परता, श्रद्धा, प्रार्थना, विनम्रता, विवेक, तपस्या, समानता, उदारता, त्याग, कर्म, मन, समय, संयम, भरोसा, भावना, नियंत्रण, सभ्यता और कर्तव्य बोध। ये सारी ही चीज़ें जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें जानने को मिलती है, ये सब सीखने को मिलता है। और यहाँ पर एक दूसरी मूर्त बनी है जिसमें शबरी माता राम जी को बेर खिला रही है। तो यहाँ पे आके अच्छा लगा और इतना कुछ देखकर अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, रोज़ की सुबह की शुरुआत मैं करता हूँ हनुमान चालीसा पढ़कर और हनुमान जी के जन्म स्थल पर आने का मौका मिला तो खुश नसीब ही है। ये पीछे ये वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, इतनी बार आने का मौका मिला। नजीक है इसलिए आने का मौका है। यहाँ आने का मौका दुनिया में इतने लोग चाहते हैं, इतने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, करोड़ों लोग हैं, हनुमान जी के कितने अनगिनत भक्त हैं, उनमें से आप यहाँ पे पहुँचे आते रहते हैं तो बड़े खुश नसीब है आप लोग। आप लोग भी खुश नसीब, आप लोग भी आ गए दर्शन कर लिए। अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आ गया यहाँ तो, आके अच्छा लग गया।